कुलचा किंग के पराठे, लस्सी, स्पेशल लस्सी पी के काफ़ी दिन बाद बड़ा स्वाद आया लस्सी पी के। लोग मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखें और आने वाली वीडियोस को देखें। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें। भाई साहब, ये कुलचा किंग पे आ गए हैं। आज ब्रेकफास्ट करने का प्लान था। ये सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ पे एंट्रेंस होगी। नीचे भी बैठने की जगह है यहाँ, और ऊपर की साइड पे भी इधर बैठने की जगह है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे आई एम विद माय न्यू ब्लॉग एंड माय दुबई फूड ब्लॉग सीरीज़। तो इस दुबई फूड ब्लॉग सीरीज़ में मैं आपको ट्रेडिशनल लोकल्स फूड और इंडियन पाकिस्तानी एशियन फूड, हम इसको ट्राई कर रहे हैं, तमाम फेमस फूड्स और ट्रेडिशनल फूड्स और जो देसी फूड्स हैं उनको हम ट्राई करेंगे इस ब्लॉग और सीरीज़। एक आलू पराठा हो गया, स्वीट लस्सी हो गई, चाय और एक ऑमलेट रोल लेना, एग रोल कर दो। तो अभी हम लोगों ने आलू का पराठा और लस्सी मैंने ऑर्डर की है, और इनका फेमस रोल एग था वो भी ऑर्डर किया, वो हम ट्राई करेंगे कुलचा किंग पे। ये बरदुबई करामा में भी है, इट्स अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट और इंडियन रेस्टोरेंट है, तो ज़रूर इसको ट्राई करें। अभी मैं इसको ट्राई करके इसके रिव्यू आपको दूंगा। ये लस्सी आ चुकी है वैसा जी, वैसा भी आ गया है और इसको ट्राई करता हूँ। चार किस्म इसको ट्राई करूँ। भाई जान, ये एक इनका रोल आ गया, इसको ट्राई करते हैं। बहुत स्टफिंग की हुई, मज़ा आ गया भाई जान खा के। अंडा स्पेशल। अभी हम लोग कुलचा किंग से निकल चुके हैं। वेरी गुड, इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड इट वाज़ वेरी गुड यू नो फूड। कुलचा किंग के पराठे, लस्सी, स्पेशल लस्सी पी के काफ़ी दिन बाद बड़ा स्वाद आया लस्सी पी के, और पंजाब टच था, पंजाब टच क्या था, पंजाब ही पंजाबी लस्सी थी, प्रॉपर लस्सी थी। लस्सी पी के काफ़ी इंजॉय किया मैंने, और पराठा, इनका अंडा एक रोल था वो मैंने खाया, और मैं हाई रिकमेंडेड है जो भी इंडियंस और पाकिस्तानीज़ या इवन डिफरेंट नेशनलिटीज़, दे कैन गो देयर एंड चेक फॉर कुलचा किंग। अभी हमारा प्लान बना है बर्षा में जाने का, और वहाँ पे सबसे फेमस जॉर्डनियन फ़लस्तीनी फूड है, फूल एंड उसको कह लें कि अब हमूस, फूल हमूस और फाते उनका होता है, और इसके अलावा फलाफिल स्पेशल होते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर अभी हम जाएंगे, वो फूड ट्राई करेंगे। और उसी जी गाइस, जो लोग मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो मेरी पिछली वीडियोस को भी ज़रूर देखें और आने वाली वीडियोस को देखें। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दें। चले अब चलते हैं और वहाँ पर फूड को एक्सप्लोर करते हैं। फूल विथ हम, फाइनली भाई हम लोग इधर फूल भी था उस पर। Full with hummus, and this is for the hummus and other. That's fatta. Fatta. Yeah.
सबसे पहले तो हम ये ट्राई करेंगे फलाफिल इसका। ये द मोस्ट फेमस तो विश्व भी है इसका फूल। एक बाइट और लेते नींबू है इसका एक ही। आप ये ट्राई करते हैं, ये स्पेशल पत्ता जो है ये ट्राई कर रहा हूँ मैं। और ये जो है ऐसा भूमोस दिया ये, और ऊपर इन्होंने इसके गार्लिक वगैरह लगाया। यहाँ ये फूल जोर्डानी ज़रूर ट्राई करें, ये स्पेशल है यहाँ का फूल जोर्डानी जो है। फाते भी बहुत अच्छा है, ये तीनों इनके फेमस हैं, फूल जोर्डानी हो गया, फूल जोर्डानी और फाते और हमोस भी दिए पूरा इन्होंने दिया हुआ इस तरीके से। और ट्राई तो फलाफल का तो है, तो मस्त भी ट्राई करें। माय शवरमा के नाम से ही, और बहुत अच्छी लोकेशन पर है और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। ये रेस्टोरेंट में स्पेस से बैठ सकते हैं, सिर्फ शवरमा ये लोग देते हैं और शवरमा सब कुछ शवरमे का इन्होंने रखा हुआ है, आइटम्स रखे हुए हैं, अरबिक शवरमा है, शवरमा प्लेटर है। ऑलमोस्ट अभी 7 बज गए, मैंने कहा शवरमा खाया जाए, बहुत फेमस शवरमा था, इसकी तारीफ मैंने सुनी थी। सो विच वन इज फेमस शवरमा? द अमेरिकन for the chicken one? Yeah, give me one this one. Yeah. It's a famous shawarma for the American. Yeah. Sitting area here. शवरमा सिग्नेचर है, अमेरिकन शवरमा के नाम से। तो अब ये ट्राई करेंगे, ये आप देखें, ओहो किस तरीके से जूसी हो रहा है। और इस पर डिप करेंगे इनकी अपनी किस तरीके से जूसी हो रहा है। और खाने के लिए रेकमेंड करूँगा मैं आप लोगों को, जब भी आप आएँ माय शवरमा बरसा में, भाई सब ये रेकमेंड करूँगा ये शवरमा, माय शवरमा अलबर्शा में। इसकी लोकेशन भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। काफ़ी मैंने शवरमा ट्राई किए हैं, अरबिक शवरमा, ये भी अरबिक शवरमा ही है, लेकिन इसको इन्होंने डिफरेंट सॉसेस वगैरह में, इसका नाम इन्होंने दी अमेरिकन शवरमा के नाम से रखा हुआ है। जब भी आना हो ज़रूर इधर आएँ, रेकमेंड करूँगा, फुल रिकमेंडेड शवरमा है। और इसको इन्जॉय कर रहा हूँ मैं, अब मैं बस इन्जॉय करते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनी पर चलते हैं, फिर वहाँ पर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। इनके पास आया मैं समझा फिलीपींस से, इनका नाम ये नेपाल से, इनका नाम है करण। करण भाई बहुत ज़बरदस्त शवरमा था, थैंक यू सर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फारिस अल सियाफा स्वीट्स बहुत फेमस स्वीट है, ये भी बरसा में है, इसकी दिल्ली आ रही है, अभी हम ट्राई करेंगे इसको।
सर ये सिर्फ कुनाफा, स्पेशली कुनाफा यहाँ पर है, और स्वीट्स में फारी स्वीट्स मेरी फेमस स्वीट बर्शा में, तो रेकमेंड करूँगा, अभी ट्राई करता हूँ खा के फिर। चेक करें भाई सर, मैंने बहुत कुनाफा खाए लेकिन ये कुनाफा भी बहुत अच्छा है और बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि मैंने इनको जब कहा था उसने कहा कुछ वेट करो, अभी बस बन के आ रहा है इधर स्वीट शॉप पर ही बैक पेन की बदी, तो अभी मैं एक और इसकी बैठ लेता हूँ। मुँह में पूरा घुल गया ये, और मैं रिकमेंड करूँगा। और सेकंड थिंग इज़ दैट बहुत ज़बरदस्त था। लास्ट में सब जगह खाना खाया हम लोग, गए अरबियन टी पे गए, अरबियन टी के बाद फिर मैंने डिफरेंट फूड ट्राई करे, इससे पहले शवरमा भी बर्शा में ही है, और उसके बाद ये मेन शेख जैद पर है बर्शा में, इसकी भी लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और इट वाज बहुत ज़बरदस्त कुनाफा है, सारे फूड मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, जो फूल था वो मुझे पता था कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पहले भी लास्ट टाइम मैं एक बार ट्राई कर चुका था, बट वीडियो नहीं बनाई थी मैंने जब शूट नहीं की, लेकिन ये जो कुनाफा है जितनी इसकी तारीफ सुनी थी नंबर, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस सीरीज़ को फूड ब्लॉग जो दुबई की मैं सीरीज़ बना रहा हूँ इसको फॉलो नहीं की, तो मेरी वीडियोस को फॉलो करें, लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और कमेंट दें। और अंकल कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आप आते रहते हैं? तो अभी इधर आप समोसा चाट खा रहे हैं? जी जी। ये अफगानी अब ट्राई करेंगे, इसको देखना।